सबके सामने रोकर तुझे जताना चाह रही है कि तुझे स्कॉलरशिप ना मिली? अब बहुत अच्छी है, तभी तो आप मुझे माफ कर पाए। ये फोन किसका आ रहा होगा? हो सकता है जिसका मोबाइल हो उसी ने फोन ढूंढने के लिए कॉल किया हो। हेलो 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 प्रीति जी, जी माता ने संकेत दिया है, अब आपकी बेटियों के हाथ भी जल्द ही पीले हो जाएंगे। चूनर तो सुमन के सर पर भी गिरी, तो क्या संजना और अंतरा के ब्याह के साथ साथ सुमन का भी दोबारा ब्याह होगा? जे के बकरी है तू कविता, थारे को पता है जे कौन है? जे तुम्हारे स्वर्गवासी बेटे रवि की विधवा है। अगर आप अपनी विधवा बहू को पढ़ा सकते हैं, तो क्या उसका दोबारा घर नहीं बसा सकते हैं? बस एक शब्द और ना बोलिए। हाँ, मैंने सुमन को पढ़ाया, उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी हो सके, हमारे बेटे की जिम्मेदारी निभा सके। थारे को पता है इसने मारे छोरे से शादी की थी, और थारे को पता है शादी के होवे 7 जन्मों का बंधन। हमारी बिरादरी में आज तक किसी विधवा की ना तो शादी हुई है और ना ही होगी। मासा आपकी दवा खा लीजिए ना मासा, वरना आपका बीपी हाई हो जाएगा। अरे आग लगे मारे बीपी को, सी बातें सुनने से पहले महाकाल ने मारे प्राण क्यों नहीं ले लिए? मरे आपके दुश्मन मासा, भूल जाइए बिमला चाची की बातों को, उनकी तो आदत है। आप प्लीज दवाई खा लीजिए। हाँ मासा खा लीजिए ना प्लीज। अरे जय मुंह बंद रख तू अपना। अरे इस बेचारी को 3 दिन में 2 लाख रुपए का इंतजाम करना है फीस के लिए, अगर पैसों का इंतजाम ना हुआ तो महाकाल। सुब सुब बोले मासा, जैसे तुलसी मैया ने इन दोनों की शादी का संकेत दिखाया, मुझे पूरा विश्वास है कि तुलसी मैया मेरी फीस के लिए भी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगी। तुलसी मैया की कृपा हो और जैसा तू कह रही है वैसा हो, लेकिन इतना सारा पैसा तो 2 ही सूरतों में आता नजर आवे, भैया तो कोई लोटरी लग जावे या किसी बैंक में डाका डाल दे। होवेगा तो वही जो कि प्रभु चाहेगा। चलो जी। माँ सब भाभी के एमबीए को लेकर बहुत परेशान है। होना भी चाहिए, अगर भाभी का एमबीए हो जाता तो हमारी सारी मुश्किलें छुमंतर हो जाती। हर माँ बाप अपने हैसियत के हिसाब से छोरी को गहना देवे हैं सोने का, क्योंकि आड़े बखत तो जेही काम आवे सोना। भाभी इन्हें क्या हुआ? ये किसका फोन है? दिन में बिना कुछ तोड़े फोड़े तो उसे खाना हजम तो होगा नहीं, है ना? दे। लो, कर दिया ना उस। पता नहीं किस बेचारे का था ये फोन। अगर ब्रिजेश की कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद होती तो वो भी मासा के जन्मदिन पर यहाँ होता, है ना? भाई लोग म्यूजिक।
लगा हूँ, जाने मैं कैसे तेरा हुआ। मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। तुझको जो ये क्या हो रहा है? इतनी रात को ये किस बात का शोर मचाया जा रहा है? अरे ये क्या कर रही है छोरी? अरे को अकेला छोड़ दे, अब तू भी थक गई होगी, कितना काम किया तूने, जा जा के सो जा। अब तो आपके चेहरे की मुस्कान देख के ही मुझे नींद आएगी। मैंने फ्रिज का इंतजाम कर दिया। सांप सूंघ गया क्या? चुप कर डब्बू, खबरदार तो तूने मुझे डांटा तो मैं नहीं डरती तेरे से, और खबरदार जो मेरे पोतों को डांटा तो। हाँ तू तो मेरा जन्मदिन भूल ही गया था ना, वो तो मेरे पोते मुझे सरप्राइज देने आ गए, मेरा राज, मेरा देव और मेरा राजेंद्र बनके। मासा ये मेरा स्त्री धन है, मेरे आड़े वक्त काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा? आप इन्हें बेच दीजिए और मेरी फीस भर दीजिए। भाभी ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? इन गहनों के अलावा आपके पास अपना और कुछ है ही क्या? ये आंटी, तुझे हमेशा आंटी को तेरा बीच में चप्पर चप्पर करने की आदत है क्या? दिख नहीं रहा, मासा बात कर रही है। क्या बात कर रही है छोरी? इसकी सास है, छोरा है, दो नंदे हैं, सब मर गए के? इधर साबास, यहाँ बैठ। मेरी बच्ची, बहुत अच्छा सोचा है तुमने, ये जो स्त्री धन हो गए है ना, आड़े वक्त में ही काम आवे। लल्ली, सोचा तो तूने बहुत बढ़िया, के बात है कि हमारा सपना थारा कॉलेज में एडमिशन इनसे तो ना होगा। क्यों मासा? क्यों नहीं, कुछ क्या क्या? अरे तेरा खड़ूस ताऊ कौन सा साल भर मुझे कुछ लाकर देता रहता है, इसीलिए मैंने सोचा कि बर्थडे पर कुछ तगड़ा हाथ मार लिया जाए, इसीलिए ये एक्सबॉक्स। दादी एक्सबॉक्स क्या बात कर रहे हो? मैं एक काम करता हूँ, अभी जाके इसे अपने कमरे में इंस्टॉल करता हूँ, और उसके बाद सारी रात आप, मैं और हम सब मिलकर सारी गेम्स खत्म कर देंगे दादी। ओके बाय। हेलो रणवीर, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिसका जन्मदिन है उसे ही ये तोहफा खोलना चाहिए? बड़े पापू, आप तो जानते हैं मेरे को एक्सबॉक्स कितना। बड़ों की बात काटने का रिवाज हमारे घर में नहीं है। तुम्हारे पिता से तुम्हारी खटपट चल रही है क्या? तो फिर जब हमने आज आकाश को फोन किया तो उसने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम इंदौर आ रहे हो? अरे मासा, जन्मदिन का मतलब ये खत ही नहीं है कि हमारे हर सवाल का जवाब आज आप दें। चौंक गए ना? इसी तरह मैं दादी सा को चौंकाना चाहता था। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं घर में सबको बताकर आता तो सरप्राइज खराब हो जाता ना। बरखुरदार, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मनन को साहिल की कोई चीज पसंद आ जाती है तो तू साहिल से बिना पूछे मनन को खुश करने के लिए दे देगा। Obviously not बड़े बापू, because I love them both equally, ऐसा कभी नहीं करूंगा। तो तू अपनी दादी सा को खुश करने के लिए अपने माँ बाप को दिन भर परेशान कर सकता है? अच्छा बाबा सॉरी, कान पकड़ के सॉरी, आज के बाद प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगा।
अरे बस कर खड़ूस, बस कर। अरे मेरे पोतों ने आकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी, अपने माँ के जन्मदिन पर जे तेरे लिए कम है? मासा, अगर ऐसी बात है तो हम जन्मदिन के इस मौके पर आपकी खुशी दुगनी कर देते हैं। आपका ये पोता रणवीर आज से यहीं रहेगा। MSI इंदौर में इसकी एडमिशन हो गई है। सच? I'm sorry बड़े पापू, लेकिन मैं इंदौर में नहीं रह सकता। मैं सिर्फ यहाँ पर दादी साहब को सरप्राइज देने आया था और होपफुली दो दिन में दिल्ली वापस चला जाऊंगा। रणवीर, हमारे कानों को एक शब्द से सख्त नफरत है और वो है ना। बड़े पापू, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि मैं MSI कॉलेज से MBA नहीं करूंगा। 2 लाख है फीस, इनसे ना होंगे 2 लाख। जा धर दे, जहां से लाइए। अगर आप बुरा ना माने तो आप ये चूड़िया इन्हें भी बेच दीजिए। दो तीन अंगूठियां भी रखी है, उसे भी हम बेच देंगे। इन सबसे तो बात बन जाएगी ना। छोरी यहाँ क्या खड़ी है, जा कापी पेन लेके आ, हिसाब करना पड़ेगा ना। और अंगूठियां कहाँ रखी है लल्ली? अलमारी में। जा अलमारी से लेके आ, हिसाब करना पड़ेगा, 2 लाख बनाने भाई। लाडो, तू रो क्यों रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि 3 दिन होने से पहले ही फीस का इंतजाम हो गया। एक बार मेरा एडमिशन हो जाए, MBA हो जाए, तो बस अपनी जिंदगी सवर जाएगी। लल्ली जे तो ना होगा, पूरा हिसाब किताब निकाल लिया हम दोनों ने, अभी भी 25-30 हजार कम पड़ रहे हैं। अब क्या होगा मौसा? छोरी मारे से क्या पूछ रही है? फिक्स डिपॉजिट तोड़वाने को तैयार थी, घर के सारे कागज गिरवी रखने को तैयार थी, पर लल्ली थारी वो जो खुददारी है ना, वो आगे आ गई थी। मासा, बात मेरी खुददारी की नहीं है, बात तो उस कसम की है जो मैंने आपके लिए है कि मैं MBA करूंगी तो अपने बलबूते पर। मुझे पूरा विश्वास है कि तुलसी मैया कोई रास्ता दिखाएंगी, कि जब तुलसी मैया ने इतने सारे पैसों का इंतजाम कर दिया है तो बाकी के पैसों के लिए भी कोई रास्ता दिखा देगी। देख लल्ली, ये याद रखना, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। भाभी, आप क्या गुना भाग करने लग गई? रात बहुत हो गई है, अंदर चलिए और सो जाइए। नहीं लाडू, सोने का वक्त नहीं है। मैं तो ये हिसाब लगा रही हूँ कि अगले आने वाले 3 दिनों में बाकी के पैसों का इंतजाम कैसे हो, जैसे कि 20-25 फेशियल हो गए, 3-4 हेयर कलर हो गया। अच्छा भाभी साहब, पहले मुझे ये बताइए कि ये फोन किसका है? ये तो मुझे वहाँ फूलों की टोकरी में मिला, मैंने मेहमानों को पूछा पर उनमें से किसी का नहीं है। दिल्ली के कॉलेज में ऐसा क्या है जो इंदौर में नहीं? दुनिया की टॉप कंपनीज आती है वहां पर स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर करने के लिए, और मैं अब्रॉड में जॉब करना चाहता हूँ, यहाँ नहीं। बस इसी डर की वजह से हमने कुछ वर्ष पहले तुम्हारे पिता को दिल्ली जाने से मना किया था, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। देवराज मित्तल को परिवार में और व्यापार में ना सुनने की आदत नहीं है। कोई बात, मैं भी आप ही का बेटा, ऐसे नहीं तो वैसे आपको मनाई लूं।
जा, चार्ज हो जाओ प्लीज। तुझे क्या हुआ? तेरी की शक्ल पे 13 बजे हुए हैं। चला मैं तेरा मूड अच्छा कर देती। तुझे पता है ये फोन जो भाभी को मिला है कितने का है? कितने का है? पूरे 80,000 का। इतना महंगा फोन? ओएमजी, अपने आंटी वाले हाथों से मेरे सुपरमैन का फोन गंदा करोगी? तो ये फोन उस बाइक वाले का है? और नहीं तो क्या। तो तुझे क्या लगता है हमारे मोहल्ले के चिंदी चोर इतना रुपीस खर्चा करेंगे? नेवर। पर जीजी, अपन ये फोन देंगे कैसे? अपन नहीं, सिर्फ मैं। शिवजी ने खुद मेरे 16 सोमवारों का फल गिराया मेरी झोली में। अब तो इस फोन के जरिए मिलेगी संजू अपने हीरो से, नजरें मिलेंगी और दिल गाएगा कुछ तो है तुझसे राम। जी। हाँ, आप जो भी बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझेगी भी कैसे? संजू दिल में आती है, समझ में नहीं। जी, आपका ना कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट। इसका नंबर ही मिलवाएगा मुझे मेरे सुपरमैन से। हाय, मेरे पास भी आपके लिए गिफ्ट है, चाहिए तो आंखें बंद करो। आंखें खोलो। आपके हाथ और कान खाली अच्छे नहीं लगते हैं। बुआ से मंगाया है, अगर आप पहनोगे नहीं फिर मैं मेरा हाई फाई गेम कैसे खेलूंगा? यह आपका बेस्ट गेम था। रुक जाओ, एक बार मेरा एडमिशन हो जाए तो बस अपनी जिंदगी सवर हो जाएगी। ये तो ना होगा। पूरा हिसाब किताब निकाल लिया हम दोनों ने, अभी भी 25-30 हजार कम पड़ रहे हैं। भाभी तू? माय गॉड विद्या कसम भाभी, मैंने कहा था ना रसोई मैं संभाल लूंगी, आप पार्लर जाइए, यहाँ का मैं सब देख लूंगी। आपको 30,000 रुपए भी तो जमा करने हैं ना, और ये दूध मैं साफ कर लूंगी, आप इसके बिल्कुल टेंशन मत लेना, वरना मासा आगे ना तो बवाल हो जाएगा। अरे के बवाल छिपाया जा रहा है कलावती की नजरों से? मासा दूध जे देखो, यहाँ मैं अकेली पाई पाई बचाने के चक्कर में मंडी से एक कोस पैदल चल के आ रही हूँ, और घर में 3-3 छोरियां होने के बावजूद 50 रुपए फूंक दिए चूल्हे में। इसमें अंतरा की कोई गलती नहीं है, वो मेरा ही ध्यान नहीं था तो दूध बाहर चला गया। तू खड़ा मुंह के तकरा है, धर दे इसे मारे सर पे, इस बोरी के बोझ से मारे प्राण निकल जाए तो शांति मिले मारे को। हाँ मासा, सवेरे सवेरे आप क्या कह रहे हो, जल्दी रखो भैया। और जे क्या कर रही है, रख पैसे अंदर। अरे जे तो इसका काम है, सेठ इसको इसीलिए तो पैसे दे रहे हैं, तू क्या देख रहा है? अरे चल निकल जा, दरवाजा उस तरफ है। हेलो भैसे। हाँ खा लूंगी। अरे बित्ते भर की जबान निकाली है, सेठ से शिकायत की तो बोरी उठाने लायक नहीं रहेगा, जबान चलाने लगा है। बाय गॉड विद्या कसम मासा, सुबह सुबह ना इतना गुस्सा नहीं करते वरना सेहत खराब हो जाएगी।
आप ये बताइए, आप इतने सारे आलू क्यों लाते हो एक साथ? हाँ, पता है आपको, बीच में तो आधे सड़ जाते हैं। अरे सड़े हुए आलू के बारे में मत सोच, बचत की सोच, बचत की। पता है बाजार में कितने के आलू बिक रहे हैं? 10 रुपए किलो। अब मैं कितने के लाई हूँ? 50 किलो 200 रुपए में। बचत हुई ना? पर दुकानदार को इसको आधे दाम में बेचकर क्या फायदा होता होगा? अरे सेठ ना किसानों से बहुत सस्ते दाम में आलू खरीद ले वे, और फिर 50 किलो 100 किलो की बोरी बना के थोक के भाव में बेचे, मुनाफा ही मुनाफा कमावे। इसका मतलब लागत कम, बिक्री ज्यादा और इतना सारा मुनाफा। पढ़ लिया ना आज का लेसन? जा काम कर। अरे जय क्या कर रही है? अरे सवेरे तो पाँव छू लिए थे, अब क्या दिन भर पाँव छूती रहेगी? सवेरे मैंने सासू माँ के पैर छुए थे और अभी मेरी गुरु और मार्गदर्शक का आशीर्वाद लिया है। हाँ, लगता है सारी रात फीस की चिंता में जागकर थारा दिमाग चल निकला है। अरे जे किस रास्ते की बात कर रही है तू? वही मासा जो आपने मुझे दिखाया।